आपसी रंजिश के चलते गोलीकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घर पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि ये गोलीकांड की इस घटना में गोली लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। देवास जिले के गोला गोठान गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने राजेश नारायण और कैलाश रामचंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान आरोपी गोली मारकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बुलडोजर की कार्रवाई की है और इस गोलीकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज सतवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोला गांव में सुबह जाट समाज के दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था और विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ में मारपीट की थी और फायरिंग हुई थी जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर के FIR पंजीबद्ध की गई थी एवं उसके साथ में ही एक आरोपी को राउंडअप किया गया है तथा दूसरा आरोपी जो घायल है उसको इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। इसके साथ ही जो फरार आरोपी हैं उनकी पूरे पुलिस कन्नौज अनुभाग की टीम लगी हुई है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्व विभाग के की तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए आज तीन घरों पर मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।